चांद रहेगा, कश्मीर भारत का ताज रहेगा। द मेंबर्स ऑफ हिंदू फोरम कनाडा एंड इंडो कनेडियन कश्मीर फोरम ऑर्गेनाइज्ड अ सेलिब्रेशन रैली आउटसाइड सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा टू कमेमोरेट सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ ऑगस्ट 5th and thanked Prime Minister Narendra Modi for removing Article 370 and Article 35A. Kashmiri Hindus in Canada expressed their hope to return back to Jammu and Kashmir. They were holding banners titled Kashmir Celebration Day, August 5. Thank you PM Modi for removing Article 370 and 35A. Jammu and Kashmir dawn of a new era. Article 370 and 35A was supposed to be revoked 70 years ago, but unfortunately no political party has a guts to do it. And in August 5th, 2019, Prime Minister Mr. Narendra Modi has removed, and he shows his willingness to integrate India into one, and we are thankful to very. Article 35A or 370 ka, usse hame nahi, balki awam. जो वहाँ पर खास अवाम है, जो जनता है वहाँ, छोटे बूढ़े नौजवान, उनको राहत मिल गई। लास्ट दो साल के अंदर कश्मीर एक नए विकास की प्रगति राह पे चल पड़ा है। पिछले दो साल में आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं, पिछले दो साल में रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, पिछले दो साल में संगबाजी बंद हो गई है। कश्मीर एक नए रास्ते पर चल पड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम उस कश्मीर को वापस जन्नत बनाएंगे जिसे पाकिस्तानी हुकुमरानों ने, जिसे इस्लामिक रेडिकल्स ने एक जहन्नम बना दिया है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम वापस कश्मीर जाएंगे और उसी शीर शक्कर की तरह रहेंगे जिसके लिए कश्मीर हमेशा से मशहूर रहा है। आज का दिन स्पेशली यंग कश्मीरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ए यंगर जनरेशन हम लोग वी बीन डिप्राइव्ड, हम लोगों को पता ही नहीं है हमारे रूट्स क्या है, हमारी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। इसकी वजह से हम लोगों को वो एक्सपोजर मिल सकता है, यंगर पॉपुलेशन, द यंगर जनरेशन कैन गो बैक टू वेयर दे एक्चुअली बिलोंग, बट ही गेट अ फील ऑफ इट। सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। 5 अगस्त 2019 को एक तरीके से हमारी दूसरी आज़ादी का ये दिन है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन भी अब इससे हमारे साथ मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएंगे और हमारे कश्मीरी हिंदू भाई अपने घर जाने को एक दोबारा उनकी उम्मीद जागी। प्रणाम, भारतवासियों को संपूर्ण विश्व में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस महान पर्व पे जो 5 अगस्त 2019 को हमारी कश्मीर को भारत में जोड़ने और इस महान कार्य को माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, वो हमारे लिए 70-75 वर्षों का एक स्वप्न ही था जो आज हम सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और जो हुआ है उसका सकारात्मक प्रभाव को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। कनाडा में हम सब आज इकट्ठा हैं, हिंदू फोरम कनाडा की तरफ से हम एक बार सभी भारतवासियों को अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और इस शुभ अवसर पर हम अपने भारत को याद करते हुए हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस सकारात्मक प्रयास के लिए आप सभी को फिर से नमन। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानते हुए धारा 370 और 35A को हटा दिया। ये एक ऐसा दिन है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत की तकदीर, सियासी भी और हर प्रकार से तकदीर बदल दी है। जो 70 साल से एक फजूल आर्टिकल हमारे आईन में दर्ज था उसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। और जो हमारे भाई वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, इतनी दिक्कतें आ गई थी लेकिन फिर भी उनका सामना करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को खारिज किया। इससे जम्मू कश्मीर पूरी रियासत की एक नई तारीख शुरू हो गई, एक नई जोग्राफिया बनी, एक नई एक नफ्सियाती कुवत बन गया जम्मू और कश्मीर। वहाँ आतंकवाद काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ, वहाँ पत्थरबाजी ख़त्म हुई, वहाँ जो लूट खसूट चल रही थी पिछले 70 साल से वो ख़त्म हुई और जो वहाँ कुछ तबकों का, कुछ घरानों का इकतदार चल रहा था, हुकूमत चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। और हम उम्मीद रखते हैं कि अब वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे
और हम भी अपने घरों को वापस आए। नमस्कार टू एवरीवन, वी आर थैंकफुल ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदू फोरम कनाडा टू सेलिब्रेट टुडेज 5th ऑफ अगस्त व्हिच हैज बीन वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इंडिया एंड द होल वर्ल्ड हैज बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज एनेबल्ड कश्मीरीज टू मर्ज इनटू द मेनस्ट्रीम एंड टू डेवलप टू कम इनटू द मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ Prime Minister Narendra Modi. We are very thankful and we are celebrating today with full joy. Thanks a lot. Aaj 5 August ka jo din hai, this is very proud day for all of us, India or Indian origin Canadian. तो ये जश्न का दिन है, तो हम सभी को निमंत्रण देते हैं कि आओ जश्न मनाओ। 5 अगस्त की भी नेशनल हॉलीडे होने चाहिए इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी इंडियन है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। On August 5, 2019, Article 370 and 35A were nullified that gave the erstwhile state its special status and the mandate to define its domicile rules.